नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। जो हीट ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है और ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। तो हीट ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, अगर हिंदी में बात करें तो ऊष्मा उपचार इसको हम बोलते हैं। ऊष्मा उपचार, ऊष्मा उपचार क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई धातु है, कोई मेटल है, आप उसको किसी टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास मेटल है, आप इसको गर्म करते हैं हायर टेम्परेचर या कोई निश्चित टेम्परेचर आप चुन लेते हैं कि आप इसको गर्म करें, तो आपने क्या दिया, इसको हीट दी। आपने इसको गर्म किया तो आपने इसको हीट दी। और फिर उसके बाद उस निश्चित टेम्परेचर पे रखने के बाद, मान लीजिए आप 700 से 700 डिग्री सेल्सियस से इसको ऊपर गर्म करते हैं। अलग अलग धातु के लिए हम अलग अलग यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमें प्रॉपर्टीज़ के अंदर इम्पार्ट करनी होती है। जो भी हमें इसके अंदर गुण लाना होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम इससे क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को इम्पार्ट कर सकते हैं। वो कैसे, जब हम इसको गर्म करेंगे, हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, मान लीजिए 700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपने किसी धातु को गर्म किया। अकॉर्डिंग टू धातु ये चूज़ किया जाता है टेम्परेचर, और अकॉर्डिंग टू जो उसके अंदर गुण या प्रॉपर्टी हमें डालनी है उसके अकॉर्डिंग चूज़ किया जाता है टेम्परेचर। तो आप इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद आपने क्या किया, उसको मान लीजिए 700 डिग्री सेल्सियस पे कुछ देर तक रखा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी आवश्यकता है, उसके अनुसार आपने कुछ टाइम के लिए इसको रख लिया। उसके बाद आपने इसको धीरे धीरे ठंडा किया, तो आपने इसको कूल किया, ठंडा किया। तो ठंडा होने के बाद जो आपको धातु मिलेगी, धातु सेम है लेकिन जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपको चेंज मिलेगा। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो चुकी होंगी जो आपको करनी थी। मान लीजिए आपको हार्डनेस बढ़ानी थी, तो आप ऊष्मोपचार के थ्रू इसकी हार्डनेस को भी बढ़ा सकते हैं। आपको डक्टिलिटी बढ़ानी थी, मतलब कि इसकी जो तारें बनाने की क्षमता है वो बनानी थी, तो डक्टिलिटी भी आप इसके अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको इसको हार्ड करना था, आपने हार्ड कर दिया, हार्ड भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जो आपका कूलिंग टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर प्रॉपर्टी आप इम्पार्ट कर सकते हैं। तो हार्डनेस कर सकते हैं, डक्टिलिटी इसको कर सकते हैं, नरम आप इसको बना सकते हैं, इसको वियर रेजिस्टेंस बना सकते हैं ताकि ये वियर जल्दी ये ख़राब ना हो। आप इसको किसी भी तरह की प्रॉपर्टी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारे टूल होते हैं, हमें हार्ड करने होते हैं ताकि वो दूसरों को आसानी से मशीनिंग कर सकें, तो हम उस पर हार्डनेस की प्रॉपर्टी डाल देते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी प्रॉपर्टी उसके अंदर इम्पार्ट कर सकते हैं। या इसके अंदर जैसे आपने कोई धातु है उसके ऊपर आपने वर्किंग की, तो उसके अंदर स्ट्रेसेस पैदा हो जाते हैं, तो ऊष्मोपचार के थ्रू, हीट ट्रीटमेंट के थ्रू उन स्ट्रेसेस को भी दूर किया जा सकता है, उसको नॉर्मल फॉर्म में लाया जा सकता है। उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर है, उसको रिफाइन किया जा सकता है एक तरह से, कि उसके स्ट्रक्चर को अच्छा किया जा सके ताकि हम उसका यूज़ कर सकें धातु का। तो हीट ट्रीटमेंट में क्या है, किसी चीज़ को गर्म करना, टेम्परेचर इंक्रीज करना, उसका हाई टेम्परेचर पे गर्म करना, फिर उसको ठंडा करना, कूल करना। अब ये जो ठंडा करना है ये भी हमारा अलग अलग तरह से प्रॉपर्टी को इम्पार्ट करता है, अलग अलग तरह से इस धातु के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको डालता है, या उसको हम कहें अच्छा करता है। तो वो कैसे, मान लीजिए आपने किसी निश्चित टेम्परेचर पे किसी धातु को गर्म किया, उसके बाद आपने उसको ठंडा करना स्टार्ट किया, लेकिन जो ठंडा किया वो अलग अलग तरीके से किया। वो कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई धातु ए है, हाई टेम्परेचर पे आपने इसको गर्म किया, फिर आपने इसको ठंडा किया। मान लीजिए सबसे पहले आप इसको ठंडा करते हैं पानी के अंदर, वाटर के अंदर। आपने क्या किया, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद जो उस टेम्परेचर पे कुछ टाइम रखने के बाद एकदम से पानी में डाल दिया। पानी में डालने की प्रोसेस को हम क्वेंचिंग भी बोलते हैं। तो जैसे ही आप उसको पानी में डालेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, उस धातु के अंदर हार्डनेस पैदा हो जाएगी, काफ़ी हार्ड मटेरियल ये बनता है। तो आपने क्या किया, किसी मेटल को
किसी टेम्परेचर के ऊपर, हाईर टेम्परेचर पे गर्म किया और उसको पानी के अंदर ठंडा कर दिया, तो उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है, इसको क्वेंचिंग भी बोलते हैं। तो उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, देखिए यहाँ पे अलग दिखाया गया है, मान लीजिए ये बी फॉर्म स्ट्रक्चर है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा अगर आप उसको अलग अलग तरह से ठंडा करेंगे और अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज उसके अंदर इम्पार्ट होंगी। तो वाटर के अंदर आपने ठंडा किया तो क्वेंचिंग एक तरह की हो गई, वो बहुत हार्ड हो गया। इसी तरह से आप इसको ऑयल के अंदर भी ठंडा कर सकते हैं, किसी रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए ऑयल के अंदर भी ठंडा कर सकते हैं, या आप इसको एयर के अंदर भी ठंडा कर सकते हैं, फर्नेस के अंदर भी ठंडा कर सकते हैं, एयर के अंदर भी ठंडा कर सकते हैं, जो भी आप चाहें किसी भी तरह से आप इसको ठंडा कर सकते हैं। कि आपने पानी के अंदर डाल के ठंडा कर लिया, या ऑयल के अंदर उसको डाल के ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, या फर्नेस के अंदर ही छोड़ दिया आपने ठंडा होने के लिए उसको, या एयर के थ्रू आपने बाहर निकाल के रख दिया एयर में वो ठंडा हो, तो इस तरह से देखिए आपने कूलिंग रेट को बदला है बस। लेकिन आपका कूलिंग रेट बदलने से क्या हुआ, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अलग अलग होंगी, जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है क्योंकि वो भी अलग अलग होगा, तो इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होने के कारण इसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हीट ट्रीटमेंट के अंदर उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म करके उसको जब ठंडा करना है, तो ठंडा हमें जो करना है वो अकॉर्डिंग टू जो प्रॉपर्टी हमें इम्पार्ट करनी है उसके अंदर, उसके अनुसार करना है। आप वाटर के अंदर कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार, ऑयल के अंदर कर सकते हैं, फर्नेस में ही उसको कर सकते हैं, कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं जब तक वो ठंडा ना हो, गर्म करने के बाद एयर के अंदर कर सकते हैं तो एयर के थ्रू कर सकते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट के अंदर क्या है कि हमें हीट ट्रीटमेंट करना है, उष्मा उपचार करना है, ताकि हमें जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम उसको अच्छी बना सकें और अपने अनुसार उसके जो ग्रेन स्ट्रक्चर हैं उनको ढाल सकें और उनका यूज़ कर सकें। तो ये था हीट ट्रीटमेंट। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।